ही नहीं, कोरोना से डरते ही नहीं। बड़ी खबर जांजगीर से, बच्चे का शव ले जाने नहीं मिला। शव वाहन पॉलिथीन में पैक करके बाइक पर शव ले गए परिजन। 2 साल के मासूम की सांप काटने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई, इसकी जांच होगी, कहना है CMHO का। राजकुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजकुमार, इस तरीके की लापरवाही होती क्यों है, कौन जिम्मेदार है? देखिए ज्योति, बिल्कुल ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। खास करके जो जिला अस्पताल में तैनात जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब बच्चे की मौत हुई है सांप के डसने से, और उसके बाद जब परिजनों ने काफी कोशिश की कि वहां पर गांव ले जाने के लिए शव को वाहन मिल जाए, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वहां पर वाहन नहीं मिला। और इसके बाद स्थिति ये आ गई कि जो बच्चे के परिजन है उन्हें बच्चे के शव को पॉलीथीन में पैक करके बाइक से ले जाना पड़ा। ये एक गंभीर मामला है, और इस मामले को जब CMHO डॉक्टर SR बंजारे के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने इस मामले में जांच की बात कही, और उनका ये कहना है कि अस्पताल में सभी सुविधा है और लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी इसकी जांच कराएंगे। लेकिन उनका ये जिस तरह से कहना है कि राजकुमार की जांच और कार्रवाई, न जाने ऐसी बातें और ऐसे शब्द कितनी बार सुन चुके, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो कुछ और ही बयां करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी